नमस्कार, मैं हूं अलका मिश्रा। आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। हम बेतिया लोकसभा क्षेत्र के नरकटिया में पहुंच चुके हैं। यहां जो है 25 तारीख को चुनाव होने वाली है, तो आइए लोगों से जानते हैं कि जनता इस बार किसे अपना जनादेश देगी, किसके सर पहनाएगी ताज। चलिए लोगों से जानते हैं। भैया, इस बार का चुनाव जो है दो लोगों के बीच काफी ज्यादा टक्कर है, तो आपका वोट किसके तरफ जाएगा? मेरा वोट तो संजय जायसवाल को जाएगा। क्यों? संजय जायसवाल अच्छे नेता है, वो विकास हुआ है उनकी वजह से? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? विकास तो मान लीजिए कि यहाँ पे रोड रोड बनवाए हुए हैं, स्कूल में काम हुआ है, घर तक काम हुआ है। जो भी योजना में आया है हमको मिला है, हम क्या क्या बताएं आपको। जैसे राशन मिल ही रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है अभी के सिचुएशन में। राष्ट्रहित में काम करते हैं। सोचे होंगे ना कि कौन सही काम कर रहा है? तो सोचे तो हैं, लेकिन कहना ठीक नहीं है। फूलचा भाट साहब की बात नहीं है, मतलब देने का मूड है जिस पर मैं अपना इच्छा किया जाकर आदमी दे देगा, काम करे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। सही काम आपके नजर में अभी कौन कर रहा है? देखिए, तो प्रजातंत्र है, सही काम दिखने पर जो अच्छा लगेगा उनको वोट दिया जाएगा। इसे दूसरा क्या कहा जाएगा? अब मुख्यमंत्री चाहे देश का कर्जा न मिले, 7 क्विंटल सोना धराल चाहे देश का कर्जा मिले, आजू बात बा चौथा नंबर में बा मोदी जी के। मोदी जी के कांग्रेस की कांग्रेस 50 साल में कथी कैल, कुछ न कैल। मोदी जी कथी कैल? मोदी जी है 6,000 किसान के मिलता है साल में, तो मिलता है हिंदू होकर मुसलमान होकर कौन जाकर सबका मिलता है। पता आवे जाके रास्ता न रहा कर तवन हो गए, बिजली हो गए, जल नल हो गए, नरसिंहा राव रहस ऐसी चंद्रशेखर राशन देता है गरीब को, यही ना दूसरे को। आवास योजना, इंदिरा आवास या उज्ज्वला योजना किसी का फायदा मिला? हाँ। चलिए ठीक, किसको वोट देंगे इस बार? मोदी जी के। मोदी जी के काहे देंगे? हैं काहे माने कोई कारण हुई? कोनो कारण कथी के हुई? सब काम धाम सब सही सलामत सब अथी बाटे। जी बाबा जी, बताइए इस बार किसको वोट देंगे? मोदी जी को। काहे मोदी जी? मोदी जी जैसा जो काम किया इस देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। 70 साल कांग्रेस रही है, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं किया, काम ही किया है। 500 बरस पहले जो काम नहीं हुआ था वो काम मोदी जी किया है। राम मंदिर और काम है, बहुत काम किया है।